सूबाई वजीर अकलीती अमूर और इंसानी हकूक एजाज आलम अगस्टीन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि हाल ही में मिशनरी स्कूलों की वापसी कैथलिक और प्रेस्बिटेरियन चर्च को मुमकिन बनाया गया है, जो कि सिर्फ इमरान खान के दौर में ही मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि मरीद के और दूसरे शहरों में पहली मरतबा मजहबी अकलीतों के कब्रस्तानों की चार दीवारी करवाई गई। इन ख्याल का इजहार सूबाई वजीर ने गुजरांवाला के जिला कौंसल हॉल में क्रिसमस के चेक तकसीम करने की तकरीब में शिरकत के मौका पर किया। तकरीब में MPA हारून इमरान गिल, मुस्तफा लुन, तहरीक इंसाफ के मकामी क्यादत और मजहबी अकलीतों के नुमाइंदगान सिदरा शहबाज और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि महकमा इंसानी हकूक और अकलीती अमूर के प्लेटफार्म से मजहबी अकलीतों में फी खानदान 10,000 रुपए क्रिसमस ग्रांट तकसीम की जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुजरांवाला भी नून लीग का गढ़ समझा जाता है, मगर बदकिस्मती से अकलीतों के लिए कोई मुनासिब काम नहीं किए गए, जबकि तहरीक इंसाफ के दौर में इब्तदाई मरहले में ही क्रिसमस ग्रांट को फी 10,000 तक ले गए हैं। सूबाई वजीर ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मजहबी अकलीतों के लिए बहुत से तारीखी इकदाम उठाए गए हैं, जैसे कि आला तलीम के शोबे में मजहबी अकलीतों के लिए खसूसी कोटा मुख्तस किया गया, जो माजी की हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के बायस देखने में नहीं आया। सूबाई वजीर ने इस अजम का इजहार किया कि वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में मजहबी अकलीतों को दरपेश तमाम मसाइल हल करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वजीर ने 400 खानदानों में 10,000 फीकस के हिसाब से चेक तकसीम किए।